एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं इनका स्टेप कट लेके आई हूँ। अगर फ्रेंड आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कटिंग अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कर दें। देखिए इनके इतने लंबे बाल हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट से बोलिए कि अपने बाल को वॉश करके आया है कि नहीं। फ्रेंड, अगर वो वॉश करके आया है तो आप अच्छी तरीके से उनको गीले कर लीजिए पहले। जितना आप गीला करोगे फ्रेंड्स, कटिंग उतनी अच्छी होगी। बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लीजिए बाल। मैंने इनका कान का पार्टीशन आगे निकाल दिया है दोनों साइड। इनको बाल बहुत कम छोटे करवाना है, ओनली फ्रेंड इनको स्ट्रैप डलवाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नीचे से लेंथ ना काट के ऊपर से ले लेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। कान के ऊपर के हिसाब से आप लाइन बनाइए और पूरी फ्रंट लाइन ले लीजिए। बाल सुलझे हुए होने चाहिए, बिना सुलझे में कटिंग नहीं करना है। कॉम्ब आपका एकदम स्ट्रेट चलना चाहिए। आपको सीधा कॉम्ब लगा के फ्रेंड देखिए पलट देना है बाल, और कॉम्ब को लास्ट तक ले जाना है, और यहाँ से कट कर देना। देखिए इनके जो डैमेज बाल हैं वो आपको पूरे निकाल देना। कैंची आपकी एकदम स्ट्रेट चलना चाहिए, देखिए स्टेप निकल कर आएगा। इसी तरह से आपको सेकेंड स्टेप डालने के लिए वही स्टेप आपको वापस उठाना है। आप एक स्टेप में ही पूरी कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप एक स्टेप उठाकर पूरी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये कॉम्ब लगाया आपने, इसको पलटा, ये देखिए आप कॉम्ब को लास्ट तक ले जाइए फ्रेंड। अगर लास्ट तक नहीं ले जाएंगे, बाल उलझे रहेंगे तो आपका स्टेप गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पहले इस डिग्री पर लिए थे फ्रेंड, अब मैं उनको स्ट्रेट लेवल पर ले रही हूँ। स्ट्रेट लेवल पर आप कट कर देंगे। कटिंग करते समय आपकी कैंची एकदम स्ट्रेट चलनी चाहिए, गोलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनकी स्टेप निकल कर आई है बाहर। देखिए मैं बार बार वही बाल उठा रही हूँ। बस आप ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री होता है फ्रेंड, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री। तो आप नीचे से डिग्रियां स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए 70 डिग्री पर उठा लीजिए और वही कट कर दीजिए। कट करने का स्टाइल सेम होता है फ्रेंड। मैं ओनली एक ही जगह से बाल उठा रही हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने अदर कहीं से भी बाल नहीं उठाए हैं। और मैं आपको आज पूरा वीडियो बताऊंगी फ्रेंड, कट करके वीडियो नहीं बताऊंगी। ये देखिए आप 80 डिग्री पर पहुंच गए। उसके बाद चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ, इसको दोबारा पकड़ कर नहीं उठाती हूँ, डायरेक्ट इसी स्टेप को काट देती हूँ। ये 90 डिग्री हो गया फ्रेंड, देखिए आया समझ में। ये देखिए मेन क्या है इसमें, जो आप स्टेप उठा रहे हो तो आपको हर बार अपनी स्टेप में डिग्री चेंज कर लेना है फ्रेंड। देखिए आप कितनी सुंदर से स्टेप्स निकल कर आ गई है। और डालो स्टेप, भाभी बोल रही है थोड़े से और बाल घने दिखाना है, तो मैं एक स्टेप और डाल देती हूँ फ्रेंड। अब देखिए, अब आप शेप डाल लीजिए। कान का पार्टीशन तो आगे बराबर कर लीजिए, और इसमें पहले स्टेप उठाने से क्या होता है फ्रेंड, आप जितने लंबाई चाहेंगी बाल की उतनी लंबाई रह जाती है। देखिए मैं इसमें यू शेप डाल रही हूँ। यू शेप आपको सिंपल यू शेप डालना है, यहाँ से सेंटर पार्ट से आपको कैची चलानी है। ये देखिए इनके जो डैमेज बाल हैं फ्रेंड वो निकाल लीजिए।
फ्रेंड पीछे कटिंग हो गई है, अब मैं आगे ले लेती हूँ इनका। नहीं नहीं अच्छे से गीले कर लीजिए। इनको बाल छोटे नहीं करवाने हैं, ओनली थोड़ा सा स्टाइल डलवाना है फ्रेंड। तो आप टिन का नीचे का हिस्सा है वहां से ले सकते हैं बालों का, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी साइड ले लीजिए। अब ये बराबर हैं क्या, इनको नापने के लिए आप आगे आगे के बालों को पकड़ लीजिए फ्रेंड और इनको बराबर कट कर दीजिए। सीधे रखो सर को। ये चेक करने का तरीका है फ्रेंड कि बाल कहीं छोटे बड़े तो नहीं है। ये देखिए हल्का सा डिफरेंस आता है तो आप उसको कट कर दीजिए और आपका कटिंग एकदम प्रोफेशनल लगेगा फ्रेंड। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने घर पे कटिंग किया है। आप इसको ट्राई करने से पहले अच्छे से सिंपल कटिंग सीख लें फ्रेंड, डायरेक्ट ट्राई ना करें। ओके फ्रेंड, मेरा कटिंग कैसा लगा, सिखाने का तरीका कैसा लगा फ्रेंड?